हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। सो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इमरजेंसी के बारे में, एंड टॉपिक रहेगा अपना ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया इन ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोनॉमस डिसरिफ्लेक्सिया होता है उसका मतलब क्या होता है। सो ऑटोनॉमस डिसरिफ्लेक्सिया कैरेक्टराइज बाई द सीवियर हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट के अंदर जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, उस पेशेंट के अंदर अगर अचानक से उसके अंदर बीपी बढ़ जाती है, यानी कि सडन हाइपरटेंशन हो जाता है, सीवियर हेडेक देखने को मिलता है, अगर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और फ्लैशिंग होने लगती है, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि उस पेशेंट के अंदर क्या हो चुका है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। सो बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं पेशेंटों के अंदर देखने को मिलता है जिस पेशेंट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की प्रॉब्लम हो चुकी है। सो ये बेसिकली किसका कॉम्प्लिकेशन है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कॉम्प्लिकेशन होता है। ओके, सो लेट सपोज कि आप किसी वार्ड में काम कर रहे हो एंड आप केयर कर रहे हो, दो दिन पहले कोई पेशेंट एडमिट हुआ था जिसको क्या हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। अब सडनली आपकी शिफ्ट है मॉर्निंग और अचानक से वो पेशेंट बोलता है कि मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। अब उसको ये थोड़ी पता चलेगा उसको बीपी बढ़ गया है, बट वो अचानक से बोलेगा कि मुझे बहुत ज्यादा तेज हेडेक हो रहा है एंड मेरी जो बॉडी है वो फ्लैशिंग हो रही है। तो फ्लैशिंग तो अपन देख सकते हैं कि उसका पूरी बॉडी है, वो चेहरा है वो रेड रेड हो जाएगा और बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है। तो सबसे पहला आपका एक्शन क्या होगा कि आपको समझ जानना होगा कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो इस कंडीशन को अपन स्टेप वाइज कैसे हैंडल करेंगे, तो वही सब अपन इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने पता लगा लिया कि इसको ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कंडीशन हुई है, तो फर्स्ट एक्शन इज प्रोवाइड द हाई फाउलर पोजीशन। उसको हाई फाउलर पोजीशन देनी है, क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है, सेरेब्रल स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि जो सेरेब्रम जो अपना हेड वाला एरिया है यहाँ पे अपने को ब्लड प्रेशर को कम करना है ताकि वेनस ड्रेनेज घट जाए। अब जो पेशेंट का हेड अगर स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, तो वेनस ड्रेनेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एंड ब्लड सप्लाई क्या होगी, थोड़ी कम जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अपनी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो कम होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। देन फर्स्ट एक्शन इज द प्रोवाइड हाई फाउलर पोजीशन, एंड साथ ही साथ आपको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ऐसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है। सो बेसिकली जो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता है, इसका जो मेन कॉमन जो कोज की बात करें तो नोक्जिस स्टिमुलस होते हैं, लाइक कि उसने बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने हैं या उसकी बेड शीट पे व्रिंकल्स हो चुके हैं। और मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो अपन ब्लैडर डिस्टेंशन, यानी कि उसका यूरिन है वो पास आउट नहीं कर पा रहा है, ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है एंड उसका जो फिकल जो मटेरियल है वो पास आउट नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो चुकी है। तो ये तो मोस्ट कॉमन कॉज है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कंडीशन होती है। तो फर्स्ट एक्शन आप करोगे, उसको अच्छी पोजीशन दोगे, हाई फाउलर पोजीशन, एंड डॉक्टर को बता दोगे। दूसरी चीज है रिमूव द नोक्जिस स्टिमुलस, जो कोज है उनको रिमूव करना है, लाइक कि उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसके कपड़े अपन खोल देंगे, लूज कर देंगे, उसकी बेड शीट पे व्रिंकल्स हैं तो उनको ठीक कर देंगे। ओके, तो ये काम कर दिया। देन नेक्स्ट होता है चेक, अपने को चेक करना है, चेक फॉर द ब्लैडर डिस्टेंशन और फिकल इन्फेक्शन के लिए। अपन देखेंगे कि उसका ब्लैडर डिस्टेंडेड तो नहीं हो रहा है, कहीं यूरिन कलेक्ट तो नहीं हो रहा है, होल्ड तो नहीं हो रहा है ब्लैडर के अंदर। अगर उसको जो कैथेटर लगा है यूरिनरी कैथेटर, तो अपन उसके लिए चेक करेंगे कि वो निंक तो नहीं हो गया, यानी कि वो बीच में कहीं मुड़ तो नहीं गया है, कहीं कंप्रेस तो नहीं हो गया है, जिसकी वजह से जो कैथेटर लगा है उस ट्यूबिंग से जो यूरिन है पास आउट नहीं हो पा रहा है और ब्लैडर के अंदर ही कलेक्ट रह जा रहा है। दूसरा उससे अपन पूछेंगे कि कब उसने लास्ट टाइम स्टूल पास आउट किया था, कितने दिन हो गए, कितना टाइम हो गया, तो उसके लिए अपन चेक करते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन आता है, अपन क्या करेंगे उसके लिए, उसको प्रोवाइड द बेस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि अपन चेक करेंगे कि वहां पे ना तो ज्यादा ठंड होना चाहिए या ना ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव कोल्ड और एक्सेसिव हॉट है वो भी किसको करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिक कंडीशन को स्टिमुलेट करते हैं, तो उनको अपन को चेक करना है। एंड जो नेक्स्ट जो एक्शन आपको लेना है, प्रोवाइड द एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। अगर डॉक्टर बोलता है कि बहुत ज्यादा सीवियर हाइपरटेंशन हुआ है, अब अपने को ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन देनी है, तो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है वो मेडिकेशन अपन उस पेशेंट को देंगे। एंड जो लास्ट जो एक्शन आपका होगा, दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अकरेंस ट्रीटमेंट एंड जो रेस्पॉन्स आया है,
कि क्या हुआ था, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया एंड उस ट्रीटमेंट की वजह से क्या बेनिफिट हुए हैं पेशेंट को। सो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज स्टेप एक्शन लेने हैं अगर किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सी कंडीशन डेवलप हुई है तो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का मतलब क्या है, ये क्यों डेवलप होता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ब्लैडर डिस्टेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, और आपको स्टेप वाइज कौन कौन से एक्शन लेने हैं। तो फर्स्ट हो गए पोजिशनिंग देना, दूसरा जो उसकी क्लोथ वगैरह उसको लूज कर देना होता है, तीसरा जो एक्शन होता है अपने को चेक करना होता है कि वो टाइम ब्लैडर डिस्टेंशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, चौथा एक्शन होता है कि उसका अच्छा एनवायरनमेंट फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है, और साथ में वाइटल मॉनिटरिंग तो जरूरी होती है, अपन टाइम टू टाइम हर 15 मिनट में उसकी बीपी तो चेक करना ही है, ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करना है। उसके बाद आपको करना है जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो वो उस पेशेंट को खिलानी है, एंड लास्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है अपने क्या कंडीशन डेवलप हुई, आपने क्या एक्शन लिया और उस एक्शन की वजह से क्या इफेक्ट आया पेशेंट के अंदर। ओके, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।